हेलो डियर, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास। दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी कंटिन्यू नोज वेरी वेल दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ योर चैप्टर रिलेटेड टू वर्क एनर्जी एंड पावर। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्क एंड इन द सेकेंड लेक्चर अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। टुडे we are going to discuss a relation between these two topics, work and energy. So let me start our class without wasting your time and be with me till the end of the class as always. So chaliye aaj ki class start karte hain. To maine bhi aapko bataya ki humne work energy and power chapter ke last two lecture mein, first lecture mein humne cover up kiya topic work aur second lecture mein humne cover up kiya topic मैकेनिकल एनर्जी और उसका एक पार्ट दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बॉडी, और इसमें से काइनेटिक एनर्जी को हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, जो स्टार्ट के दो लेक्चर हैं, फर्स्ट में हमने वर्क डिस्कस किया और सेकेंड में हमने काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को रिलेट करने वाले हैं। कैसे रिलेट करेंगे, उस रिलेशन में एक थ्योरम आएगी, लेकिन उस थ्योरम पर जाने से पहले चलिए कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, क्या देखते हैं क्या। अभी हम दो सिचुएशन कंसीडर करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको मैंने दो सिचुएशंस पे दिखाया है। सपोज करिए ये वाला a है और ये वाला v है, ओके। तो इनिशियली दिस ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट, और दिस वन इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हमने दो ब्लॉक यहां पे अज्यूम किए हैं, दोनों का मास m अज्यूम किया, चाहे तो m1 m2 भी कर सकते थे। एक रेस्ट में है और एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स किसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल स्पीड u है। अब हम क्या करते हैं, अभी ये फ्री है दोनों, अब हम क्या करते हैं, लेट बी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ब्लॉक A and also on the block V. जब हम पहले एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, A जो कि पहले रेस्ट में था, अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स F अप्लाई कर दिया है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स कैन प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, इसकी स्टेट को चेंज करेगा, रेस्ट से किस में लाएगा, मोशन में लाएगा, मतलब एक्सीलरेट करेगा, और मोशन में लाके ये डिस्प्लेस करेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में जो ये एक्सेलरेट करेगा, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक इसको जब ले जाएगा ए ब्लॉक को, तो यहाँ तक आते आते इनिशियली यहाँ जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो थी, और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी हमने सपोज कर ली वी हो गई, ओके। अब दूसरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में था, तो यहाँ जो वेलोसिटी थी वो u थी इनिशियल, इसको हम सपोज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स फिर से एक्सेलरेट करेगा इसको, और एक्सेलरेट करने का मीन्स क्या होगा, इस वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेट करेगा तो सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया मीन्स इसको एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, और सपोज करिए जब तक ये ब्लॉक ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा v, अब इसकी वेलोसिटी v से चेंज होके U से चेंज होके V हो गई, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने देखा कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। फर्स्ट सिचुएशन में ये रेस्ट में था, मतलब जीरो वेलोसिटी पे थी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी V हो गई, और सेकेंड सिचुएशन में जो ये ऑलरेडी मोशन में था, मतलब ऑलरेडी इसके पास में एक इनिशियल वेलोसिटी थी U, और इसको जब एक्सेलरेशन मिला तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होके कितनी हो गई, V हो गई। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ही होती है ना काइनेटिक एनर्जी, के इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, हाफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो दोनों ही सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि क्या हुआ था, इनिशियल अगर हम इस ब्लॉक की फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो इस ब्लॉक को इनिशियली रेस्ट में था, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन दिस सिचुएशन इज हाफ एम मास का, बट वेलोसिटी जीरो थी,
तो इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल पोजिशन। जब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ मतलब इस पर वर्क हुआ, और जब वर्क हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर कितनी हो गई, यहाँ पर आते आते वेलोसिटी वी हो गई, और वेलोसिटी वी होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, क्या हो गया, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ तो मूव करने लगा, मूव में मोशन में इसको एक वेलोसिटी अचीव हुई, तो इनिशियली लेवल पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और इस लेवल पे आते आते हाफ एम बी स्क्वायर हो गई। तो हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट पे वर्क किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स, इसको डिस्प्लेस किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, इंक्रीज आ गया, गेन हो गया, ठीक है, जीरो थी, हाफ एम बी स्क्वायर हो गई। अब सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, इनिशियल लेवल पे इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी, अगर हम यहाँ पर के आई से इसको रिप्रेजेंट करें, क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसके पास पहले से थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स ने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट करने का मीनिंग क्या हुआ, यू से इंक्रीज होकर वेलोसिटी वी हो गई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो यहाँ तक आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो हो गई, फाइनल सपोज कर लेते हैं, हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हमें पता है कि v इज ग्रेटर देन u, मास तो एडिटिव रहेगा, मास इज अ कांस्टेंट, तो हाफ एम हाफ एम दोनों सिचुएशन में सेम है, यहाँ पर वेलोसिटी u थी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ u हाफ एम यू स्क्वायर थी, और यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर थी। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में सबसे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, और चेंज क्या हो गई, एक्चुअली इंक्रीज हुई है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ, क्या हुआ, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे वर्क किया, तो वर्क के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो ये वर्क करने से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मींस वर्क किया, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, गेन हो गया। तो इसी से रिलेटेड हम थ्योरम आज स्टडी करने वाले हैं। थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो सीधे सीधे दोनों एग्जांपल में आपने देखा कि जब हमने वर्क किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया, और यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, वर्क इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जस्ट। तो यही स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, और इसी को हम वेरीफाई करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को आज की क्लास में। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम, पहले तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका किसका फॉर्मूला यूज करने वाले, वर्क डन का। सपोज करते हैं इस बॉडी में से कोई भी एक सिचुएशन चूज कर लेते हैं जिसमें बॉडी जब डी एक्स डिस्प्लेस हुई थी, यहाँ से यहाँ तक दो पोजिशन अगर हम यूज करें, और जो फोर्स इस पर अप्लाई है वो LDDF है, तो इतने डिस्प्लेस करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो एक्चुअली DW है, स्मॉल अमाउंट। तो हम ये सपोज कर लेते हैं DW इज ऑलरेडी हमें पता है इज FDX द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू एंड डिस्प्लेसमेंट DX, ये ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म यूज करनी है, किसकी, फोर्स की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द F इज इक्वल्स टू DP/DT, ओके। और तो हम यहाँ पुट करेंगे therefore DW इक्वल्स टू F replaced by DP/DT एंड DX, इट कैन बी रिटन एज DY/DT, P आपको ऑलरेडी पता है MB होता है, लीनियर मोमेंटम, एंड DX, तो इट कैन बी रिटन एज MdV/dt dx, एंड वंस अगेन इट कैन बी राइट एज MdV/dx/dt। और ये भी आपको पता है DX/dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो दिस टर्म इज, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इस टर्म को सॉल्व किया था, सो दिस इज MBdV, ये टर्म आ गया, मीन्स DB अपने प्लेस पे है, DX/dt को भी हमने B यूज कर लिया, तो ये टर्म बन गया हमारे पास में DW इक्वल्स टू MBdV। अब सपोज करते हैं ये जो हमने वर्क किया है, जो भी वर्क किया है बॉडी पे,
तो उसमें वर्क करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा मैंने दोनों सिचुएशन में बताया, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जीरो से वी हो गई, यहाँ यू से वी हो गई, ठीक है। तो हम अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन कंसिडर करें, लेट द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम जीरो टू वी या लेट द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी, देन द नेट वर्क डन ओके इफ इफ द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U to V, then net work done, if आपको पता है क्या करेंगे, इंट्रीगेट करेंगे एम वी डी वी विद लिमिट यू टू वी, सो द इंट्रीगेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, एम इज टेकन आउटसाइड एंड इंट्रीगेशन ऑफ वी डी वी इज b square upon 2 with limit u to v, और this can be written as, कैसे इसको notice कर सकते हैं, इसको हम notice कर सकते हैं w is equals to half already outside आ सकता है, m आ सकता है, upper limit से replace करेंगे, integration का formula आपको already पता है, 1 times this b replaced by the upper limit minus lower limit, so thus b square and this is u square. Now we can open the bracket, half mb square minus half mu square. और इस सिचुएशन में देखिए जहां वेलोसिटी u से b तक चेंज हो रही थी सेकंड पोजिशन में, हाफ एम यू स्क्वायर क्या हुई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियली वेलोसिटी u थी, और हाफ एम बी स्क्वायर क्या हुई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट हेयर दिस w इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई. So this is the work energy theorem. Initial से final में जितना भी change आया तो ये क्या हो गया, work is equals to the gain in kinetic energy. Kinetic energy में जितना gain हुआ वो किसके equal आया, जो भी हमने network किया. This is the work energy theorem and its explanation. तो clear हो गया आपको कि work energy theorem क्या है, the work done on a body is equals to the gain in kinetic energy of that body, और जिसको हमने verify भी कर लिया है by the formula. Situations दोनों मैंने आपको already understand करने के लिए बनाई थी, ये diagram है जिनका इस theorem से मैं आपको copy करना necessary नहीं है, ठीक है. Theorem आपकी ये है, तो आप इसको screen pause करके note down कर पाएंगे. चलिए मैं wrap करता हूँ इसको. अब एक टर्म आपने और नोटिस किया होगा कि वर्क करने से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसकी वजह से आया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया. तो वेलोसिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती ही करती है, फॉर्मूले से क्लियर है, हाफ एम बी स्क्वायर. लेकिन एक और टर्म जो हमने यहाँ यूटिलाइज किया, जो भी वो टर्म भी वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज होता है, वो टर्म क्या है, वो टर्म सिंपली क्या है, लीनियर मोमेंटम. वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी गिव्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी. और इन न्यूटनियन फिजिक्स द मास इज कांस्टेंट, सो इफ द वेलोसिटी चेंज द मोमेंटम इज चेंज. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है. तो हम एक रिलेशन और भी यहां पर देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. चलिए वो भी देखते हैं. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. इस रिलेशन के लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोनों ही फॉर्मूले में पता है, लीनियर मोमेंटम के भी और काइनेटिक एनर्जी के भी. सो वी कैन राइट हियर, वी हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई हाफ एम बी स्क्वायर. इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी बी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर. क्लियरली है. एंड ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी. और अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम बी. ये क्या है,
लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि इन दोनों को हमें रिलेट करना है। तो बाय दिस रिलेशन वी कैन राइट द बी इक्वल्स टू पी अपॉन एम। यहां से बी की हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, और क्या करते हैं इसको, इसको इस वैल्यू वी की इस वैल्यू को इस टर्म में शिफ्ट कर देते हैं, या चाहे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड यूज कर सकते हैं, और यहां पर राइट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या करना है हमें, और यू कैन राइट द पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड इन द इक्वेशन फर्स्ट, देखते हैं क्या मिलता है। k इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 m, द वैल्यू ऑफ b इज नाउ p अपॉन m एंड इट्स स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग वी हैव हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज कैंसल फ्रॉम दिस वैल्यू एंड दिस इज p स्क्वायर अपॉन 2m। सो p स्क्वायर विल बी 2mk, फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव दिस वैल्यू 2mk, सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, द पी इक्वल टू 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं भी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है किसी क्वेश्चन में, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, बॉडी का मास पता है, तो जनरली हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस रिलेशन को हमें यूज करना होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। जब हम नेक्स्ट क्लास में आमने सामने होंगे तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी का होगा, क्योंकि अभी हम मैकेनिकल एनर्जी के एक ही पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, और पार्ट था काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको बोला था मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने लास्ट टू लेक्चर में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया है, आने वाले लेक्चर्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।